अभी क्रॉस कर रहे हैं बड़ोदरा, और बड़ोदरा में बहुत भयानक बारिश है। होम स्वीट होम। Thank you.
यात्रा बाकी है, तो करते हैं बातचीत और रास्ते में गाना सुनना। मुझे सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब कुछ भी नहीं चल रहा होता है और बाहर बस जर्नी चल रही होती है, रोड जैसे जैसे चलता है ना, मुझे लगता है मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे लाइफ चल रही हो। मैंने इसके पहले भी शेयर किया होगा शायद कि जिंदगी चलती हुई दिखती है और बहुत कुछ दिख रहा होता है। तो मैं सन्नाटा और यात्रा दोनों बहुत पसंद करती हूँ। टच कर जाएंगे तो नॉट बैड।
से किसको किसको क्या सोचता है बताओ बताओ. मेरे डिक्शनरी में अगर कोई पूछता है वन नाइट स्टैंड, मुझे वन नाइट स्टे बोलना होता है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ वन नाइट स्टैंड ना निकल जाए. बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी. क्या हुआ कि जहाँ आप चाय खाकर खाने के लिए रुके ना, वहाँ पर कार पार्क किया और बंदू वॉशरूम के लिए गया और मैं बैठी हुई थी. तो वहाँ पे जो जो टायर वगैरह में हवा डालते हैं ना, उन्होंने कहा अरे थोड़ा सा भैया आगे करके जाते, भैया चले गए और ऐसे ये क्या. तब तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं आगे कर देती हूँ. और मैं इस सीट से उठकर ड्राइविंग सीट पे गई और पहिया मतलब पांच बार राउंड भी नहीं लिया होगा और मैंने यूं आगे बढ़ाया. बट जो फीलिंग थी इट वाज ऑसम. मतलब इतना अच्छा लगा कि जरूरत पड़ने पर मैं अपनी गाड़ी को आगे पीछे कर सकती हूँ. मतलब इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग आई ना, ऐसे नहीं था कि हाँ भैया पांच मिनट रुकिए ना वो आ जाएंगे तो आगे बढ़ा देंगे. और जब मैं उतर करके आगे करके और मैंने पूछा भैया ठीक है, तो मैंने कहा सही है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई. सो आज ये पहला एक्सपीरियंस था कि कार में कोई नहीं था और मैं कार में बैठकर उसको आगे बढ़ाकर थोड़ा सा पार्क किया. सो बस मुझे लगा ये मैं शेयर करूं. कितनी छोटी सी बात है लेकिन खुशी इतनी ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं आपको. इंडिपेंडेंट होने से ज्यादा बड़ी खुशी मुझे लगता है और कुछ नहीं है इस दुनिया में. सो यस, मैंने सोचा अपनी फैमिली को बता दो तू कि आज मैंने इंडिपेंडेंस का इतना छोटा सा मजा चखा. बस इतना ही. घर मेरी प्लांट्स. ओह वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड. मेरे प्लांट्स बहुत खुश हैं. थैंक यू शीला, थैंक यू सो मच. जैसे घर पर आते हैं और सब अपने फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं और आने की खबर देते हैं कि मैं आ गई, मैं बिल्कुल वैसे ही अपने प्लांट्स को आते ही अपना प्रेजेंस बता देती हूँ कि मैं आ गई हूँ. लव यू गाइस. आई नो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश हो गए होंगे घर को देखकर. और अब होगी जी घर की कहानी, यानी कि किचन, यानी कि मॉर्निंग रूटीन, यानी कि मेरे अपने घर की कहानी, मैं और मेरा घर और मेरे प्लांट्स और आप लोग. घर में वैसे बहुत काम करना होगा. क्यों? क्योंकि ये देख टडंग टडंग घर की हालत कुछ ऐसी है. क्या गिराया मैंने, आते ही कांड चालू. अब तक तो भूख नहीं लगी थी पर घर पहुंचते भूख लग गई और मैंने काटा है आम. आम खाऊंगी, नहाऊंगी और इस बीच में कुछ खाने को ऑर्डर करूंगी. मुझे लगता है भूख से मुझे नींद नहीं आएगी और आप लोगों से कल मिलूंगी. मैं बहुत 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 खुश हूँ, सुपर हैप्पी. ढाई महीने के बाद ऑलमोस्ट ढाई महीने मैं घर पहुंची हूँ और वही घर जो जैसी भी हालत में था मुझे अच्छा लग रहा है. बहुत उथल पुथल है फिर भी अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है इसको संभालूंगी संवारूंगी और धीरे धीरे इसे घर बनाऊंगी. तो साथ में इसे घर बनाते हैं. आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं. राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू एंड थैंक यू सो मच हमारी जर्नी में साथ रहने के लिए और जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. गुड नाइट.